नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसटीएफ ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले दो गिरोह के करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह से एक सुनहरा उल्लू और एक डोमू का सांप बरामद। मंगलवार को एसटीएफ एसपी उज्जैन ने इसका खुलासा किया। एसटीएफ एसपी मितेश गर्ग के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने दो अलग अलग गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक गिरोह से दुर्लभ प्रजाति का सुनहरा उल्लू बरामद किया गया, जबकि दूसरे गिरोह से 6.5 किलो वजन का रेड सेट बोआ यानी दो मुंह का सांप बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पता चला इन दोनों दुर्लभ प्राणियों को गिरोह के सदस्य 1 करोड़ रुपये में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले को बेचना चाहते थे। इनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 3 से 4 करोड़ बताई जा रही है। उल्लू का उपयोग तांत्रिक क्रिया में किए जाने की जानकारी मिली है, जबकि दो मुंह के सांप का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। दोनों दुर्लभ प्राणियों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके पीछे सरदारपुर के एक अधिकारी सहित कई सफेदपोश और रसूखदार लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है, तथा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा मामले को रफा दफा करने की साजिश की जा रही है। जबकि आरोपी मुकेश के भाई ने पुलिस थाना राजगढ़ पर गुमशुदगी दर्ज करवाकर पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया है।